नमस्ते सभी को, मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ओपल क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आज मैं ओपल, जो वीनस प्लैनेट को डिपिक करता है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ये पर्टिकुलर क्रिस्टल क्या करता है, ऐसा इसमें क्या खूबी है जो अगर हम इसे पहने या हम उसे हीलिंग में यूज़ करें या उसे अगर हम अपने पास रखें तो उससे हमें क्या बेनिफिट होंगे, अगर हमें हेल्थ इशू है तो हम उसे कौन से वाले हेल्थ इशू में यूज़ कर सकते हैं। सो ओपल क्रिस्टल, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही प्रीशियस क्रिस्टल है। मार्केट में बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन एक तो ये क्रिस्टल आपको बहुत ही अच्छी शॉप से लेना है, जिस क्रिस्टल डीलर को आप जानते हो उसी से ले, या फिर आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, वी कैन अरेंज फॉर यू। ये बहुत महंगे नहीं होते जैसे स्टोन्स होते, बट इसकी जो इसका जो अंदर का यू नो लुक है, जो इसकी शाइन है, जो इसके इफेक्ट्स हैं, वो आपको आपको बहुत ध्यान से देखने में ही पता लगेंगे। मार्केट में 3-4 तरह के ओपल आते हैं, तो आपको वो ध्यान से बाय करना है। सो ओपल क्रिस्टल हमें कैसे हेल्प करता है? ओपल क्रिस्टल अगर किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ाता है। ओपल क्रिस्टल लोगों को पीस ऑफ माइंड देता है। ओपल क्रिस्टल ऑफ कोर्स वीनस का है तो हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी देता है, ब्यूटी को एनहांस करता है, यू नो लविंग फीलिंग को एनहांस करता है। कोई बंदा आपको लगता है ना कि ये बहुत बहुत कठोर है, इसके अंदर तो प्यार ही नहीं है, अगर आप उसे ओपल दोगे ना तो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग अगर रूड होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा और उसकी बातों में, उसके हाव भाव में आपको प्यार दिखेगा। ये उसकी क्वालिटी है, ऐसा होता है। और ये ना ये आपको बहुत डेलिकेट बना देगा, और अगर आप इसे लोगे या आप इसे धारण करोगे तो आप सब लोगों के फेवरेट हो जाओगे, है ना। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है या जिन किसी के पार्टनर में ऐसा लगता है कि दूसरा पार्टनर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये इंटरेस्ट भी यू नो रिजनरेट करता है, सामने वाले के अंदर आपके लिए इंटरेस्ट पैदा करता है। तो ये इसकी खूबी है, ये हमारे थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करता है, उसे ओपन करता है। अगर हमारे ये हमारे थ्रोट चक्रा को भी ठीक करता है, अगर हमारे थ्रोट चक्रा में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज़ होगी, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, तो ये उसको ठीक करता है, ठीक है। और ये हमारे कौन से हेल्थ इश्यूज़ में हेल्प करता है? ये हमारे किडनी के इश्यूज़ को ठीक करता है, ये हमारे लीवर की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करता है, ये हमारे माइंड को कूल और बैलेंस करता है, है ना। और ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ये हमारे वाटर रिटेंशन को बॉडी में यू नो बनाता है। सो ये कुछ चीज़ें अगर आप इसके लेके धारण करेंगे तो ये उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है। आप इसे फ्राइडे के दिन पहन सकते हैं, फ्राइडे के दिन आप ना वीनस का बीज मंत्र बोल के, फिर आप इसे 11, 21 या 108 बार बोल के आप इसे पहन सकते हैं। आप इसे रिंग फिंगर में या इस वाली फिंगर में, मिडल फिंगर में पहन सकते हैं फ्राइडे के दिन। इसे पहनने से पहले इसको आप सिल्वर में भी पहन सकते हैं, इसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं, और इसको रिंग में भी पहन सकते हैं, आप इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। ये डायमंड का सब्सिट्यूट भी है, जो लोग स्टोन नहीं बाय कर सकते डायमंड का, तो वो ओपल का ले सकते हैं। और जब आप इसे पहने तो इसको घी में, हनी में, कच्चे दूध में और गंगा जल में भिगो के थोड़ी देर आप रख दीजिए, सिल्वर की कटोरी में या पीतल की कटोरी में, और फिर आप इसे वॉश करके और फिर थोड़ा सा पूजा करके और थोड़ा सा इसमें यू नो जाप करके, फिर आप फ्राइडे के दिन अगर इसे पहनेंगे या आप अपने यू नो किसी डियर नियर वन को देना चाहते हैं तो आप उसे भी दे सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप वीनस से रिलेटेड चीज़ों को अपनी लाइफ में एनहांस कर सकते हैं, और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोन है और क्रिस्टल है, जिसे मैं बोलूँगी ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल क्रिस्टल स्टोन भी है। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, आप इसमें बोली गई चीज़ों को यू नो अगर अच्छी लगती है तो आप उसको ऐड ऑन करें, अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ नीलम अग्रवाल, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल हीलर। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये क्रिस्टल लिया या आपको इस क्रिस्टल की ज़रूरत है, या अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।